कुंती का गाना सुनकर बेचारा आलोक मौर्य सोच रहा होगा कि केस लड़ूं या नाचूं। क्या हाल है मेरी फैमिली और फैमिली वालों, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो शेर आरजी किया है, लाख को कहते हैं पेटी, करोड़ को कहते हैं खोका। लाख को कहते हैं पेटी, करोड़ को कहते हैं खोका। पहले तो सिर्फ रिलेशनशिप में करता था, अब तो शादी के बाद भी मिल रहा है धोखा। लेकिन सर उन्होंने कहा है कि तलाक प्यार से दे दीजिए, बवाल मत करिए। पहले जब पति पत्नी की लड़ाई होती थी तो वो बड़ों के पास जाते थे, लेकिन आजकल वो लोग मीडिया के पास जाते हैं और ये रिपोर्टर लोग भी कहानी तो बाद में सुनते हैं, पहले उनसे वोक करवाते हैं। हाँ जी, तो इनसे मिले ये है ज्योति मौर्य, जिन्होंने वो कर दिखाया जो हर पेरेंट्स अपने बच्चे से चाहता है। नहीं नहीं, शादी की बात नहीं कर रहा मैं, मैडम ने जॉब कर दिखाई जिसमें इनके पति ने इन्हें पढ़ाया लिखाया। नहीं नहीं, पति टीचर नहीं है, मतलब फाइनेंशियली हेल्प करी, मतलब लोगों से उधार लिया, पैसे इकट्ठे करके इनकी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाया। ये सब करने के बाद भाई पति को इतनी टेंशन हो गई, उसकी टट्टी चल गई और थोड़ी सी दवाई खाई तो चलो वो ठीक हो गए, लेकिन ये सब सुनने के बाद तो भाई छेरे चलने स्टार्ट हो गए, जो कि अब दवाई से भी बंद नहीं होंगे। और ज्योति मौर्य भी कोई ऐसी वैसी बीवी नहीं थी, अपनी जॉब लगने के बाद भी पत्नी होने का पूरा धर्म निभाया है, वो भी थोड़ा कुछ अलग तरीके से। मनीष दुबे सर कमांडर, उन्हीं साथ उनका अवैध संबंध है। मैंने सर उनको 22 फरवरी को रंगे हाथ अपने आवास में पकड़ लिया था और मैंने कहा मेरी सर 9 साल की बेटियां हैं सर, और मेरी बेटियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है सर, और यहाँ तक कि ज्योति मौर्य अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मेरे जिला पंचायत अधिकारी, राज अधिकारी, जो कि सर बहुत ईमानदार अधिकारी है, उनसे बार बार शिकायत कर रही है कि इनको बर्खास्त। जब एक इंसान बुरे वक्त में साथ देने वाले इंसान के साथ ऐसा कर सकता है तो वो इंसान किसी का नहीं हो सकता साला। सही बात है। मतलब उस बेचारी के पास इसको देने के लिए कुछ था नहीं, तो पहले उसने उसको धोखा दिया और फिर उसके बाद उसने जान से मारने की धमकी दी, और जब वो बेचारा सांस लेने ही वाला था तो उसको नौकरी से निकलवाने की कोशिश करने लगी साली। तुझसे बड़ा कोई चूतिया नहीं है। मैं तो ये सोचता हूँ यार, जिस आशिक के लिए ये उसको छोड़ रही है उस गांडू को इतना समझ नहीं आया, जब वो इसकी सगी नहीं हुई तो तेरे की घंटा होगी है, तो ये तो मग्गे में भर के बाथरूम में भा देगी, पर वो गांडू अलग ही समझदार है। मेंस का पेपर जिसने पढ़ा लिखा के बनाया, हम मान लेते हैं उससे ये पूछी कि कितने पेपर होते हैं, शायद बता नहीं पाएगा पेपर होते हैं कितने ऑप्शनल होते थे उस समय, क्या क्या पेपर वो नहीं बता पाएगा। अरे फूके हुए आशिक, वो उसका कोई टीचर नहीं था, ना नको बिल्कुल नहीं, वो उसका खसम था, उसने उसकी फाइनेंशियली हेल्प करी थी और इस हिसाब से तो मैं यहाँ ग्रेजुएट करके बैठा हूँ। मेरे पिताजी ने मेरा कॉलेज नहीं देखा तो क्या उनका मेरी पढ़ाई में कोई योगदान ही नहीं है बहनचोद, और इससे ज्यादा दिमाग तो इन लड़कियों में है। ज्योति मौर्य क्यों गलत लगती है आपको, ये बताओ। ज्योति मौर्य अपनी मेहनत से पढ़ी लिखी और वो पीसीएस अफसर बन गई। मेहनत ही है क्या उसमें, पैसे नहीं है क्या, हस्बैंड ने पैसे भी तो लगाए होंगे ना उसको पढ़ाने के लिए। और हाँ, एक तरफ ये चल रहा था और एक तरफ एसडीएम के आशिक की शादी की फोटो। जी हाँ, एसडीएम का जो आशिक था वो शादीशुदा था, उसकी वो फोटोज वायरल होने लग गई जो ना जाने कितने जवानों से धूल खा रही थी। तस्वीरों और दस्तावेजों के अनुसार 2 साल पहले मनीष दुबे ने तनु पराशर नामक युवती से शादी की थी। लखनऊ के आर्य समाज मंदिर में 5 अगस्त 2021 को मनीष दुबे और तनु पराशर का प्रेम विवाह हुआ था। भाई साहब मैं बता रहा हूँ, क्राइम पेट्रोल वाले हाथ में पेन कॉपी लेके बैठे कि जल्दी से इस केस को खत्म करो, एक नया एपिसोड बनाए। इतने ज्यादा ट्विस्ट तो यार मूवी में नहीं आते जितने कि इस स्टोरी में आ रहे हैं। मतलब तुम सोचो, 2 साल पहले इस आदमी का प्रेम विवाह हुआ है, 2 साल बाद फिर से इसको प्रेम हो गया। कतई जहरीला हो रहा है बहनचोद, यहाँ साले रेडवे बैठे। इतनी जल्दी तो अचार पुराना नहीं होता जितनी जल्दी इसका यार पुराना हो गया, एक्सपायरी डेट के साथ शादी करता है ये आदमी। अबे तू थोड़ा सा बहन का। और सोचो जोर जबरदस्ती करके अगर एसडीएम ने किसी प्रकार से आलोक से तलाक ले भी लिया, आलोक जाएगा अपने घर, एसडीएम जाएगी मनीष दुबे के पास, मनीष दुबे जाएगा एसडीएम के पास, उसकी बीवी कहां जाएगी बहनचोद, कहां जाएगी बेचारी, पुलिस स्टेशन। फिर से एक नया एपिसोड बनेगा बहनचोद। तो मुझे कोई एपिसोड तो बनवाना नहीं है, मैं रडुआ ही सही हूँ, तो बस सिर्फ आप मेरी वीडियो को देख रहे हो। अगर मेरी वीडियो मजा आया हो तो मेरी फैमिली वालों चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ। तो तब तक के लिए बाय बाय टाटा। मेरी मम्मी क्या है? अपनी बहू को पढ़ा लो, शादी से पहले एसडीएम बनना चाहती थी, वो तैयारी कर रही थी, अब शादी हो गई है, उसकी पढ़ाई कंटिन्यू करवा दो मम्मी। अरे चुप रहा है कुत्ते, तेरी गांड पे लात मार के चली गई एसडीएम बन के, वो फिर क्या करेगा, तो फिर फिरेगा। ए घर में पढ़िया चल।